कल रात मैंने एक फिल्म देखा जिस फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस माइक। सो अभी तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि शायद ये महेंद्र सिंह धोनी के बायोपिक तो नहीं है, तो नहीं मेरे भाई ये महेंद्र सिंह धोनी के बायोपिक नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम महेंद्र है और इसके अलावा एक फीमेल कैरेक्टर है जिनका नाम महिमा है, तो इनके जो शॉर्ट नेम है माही, इस वजह से मिस्टर एंड मिसेस माही इस फिल्म का नाम पड़ा है। इस फिल्म में हम सबको देखने को मिल रहे हैं राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर। सच बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म में राजकुमार राव फोड़ने वाले हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं था यार कि जाह्नवी कपूर इतनी तगड़ी वाली काम करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, अगर तुम जाह्नवी कपूर की फिल्मोग्राफी को उठा के देखोगे कि वो कैसे कैसे फिल्में कर रही है और आने वाले टाइम में कैसे कैसे फिल्में करने वाली है, एक चीज तुम्हें एकदम पता चलेगा कि ये स्टार किड कुछ नया करने के लिए ट्राई कर रही है और हर फिल्म के जरिए वो खुद को प्रूव कर रही है कि उनमें बहुत ही काबिलियत है। सो स्टोरी की बात कर लेते हैं, स्टोरी महिंदर को फोकस करती है, महिंदर मीन्स राजकुमार राव का फोकस करती है। इन्हें बनना है क्रिकेटर और इन्हें लाइफ में वो चीज़ें चाहिए जो एक क्रिकेटर को चाहिए होता है, बट इनके साथ ना कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिस वजह से क्रिकेटर नहीं बनते थे। उसके बाद ये अपनी पत्नी मीन्स महिमा को क्रिकेटर बनाते हैं, फिर आगे क्या क्या सारी चीज़ें होती है ये सब जानने के लिए तुम्हें इस फिल्म को देखना पड़ेगा। कैसे ये दोनों के बीच में थोड़ा सा उथल पुथल मचता है, बट इसके अलावा मैन जिस तरीका से इसमें एक प्यार को दिखाया गया है, जो इमोशन को दिखाया गया, जो बॉन्ड को दिखाया गया, वो ये फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट प्लस पॉइंट मेरे को लगा है। इसके अलावा इस फिल्म में एक गाना है देखा तेरे में पहली पहली बार में, भाई ये गाना मेरे को ना भाई थिएटर में अलग ही वाइब दे रहा था। कुछ एक सीन में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव इतने ज़्यादा प्यारे लगे हैं ना कि दोनों को देख के भाई तुम्हें भी मन करेगा कि प्यार करते हैं। बाकी इनके अलावा ये दोनों का काम बहुत सही लगा है, राजकुमार राव भाई श्रीकांत के बाद फाड़ दिए हैं भाई इसमें भी। देन इनके अलावा कुमुद मिश्रा है जो राजकुमार राव के फादर का कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ही सही काम करा है। डायरेक्शन बहुत सही है, स्क्रीन प्ले काफ़ी सही है, ये फिल्म तुम्हें बोर नहीं करती है।